हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली। सो आज है 9 अक्टूबर और आज संडे है और कुछ वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जैसे मैंने देखा है उज्जवल का फ़ोन आया कि कहीं ना कहीं तो चलते हैं। उज्जवल ये रहा मेरे साथ। सो अभी हो रहा है 3 और हम जा रहे हैं किमाड़ी। या तो लास्ट टाइम किमाड़ी के लिए प्लान बन रहा था, किमाड़ी जा नहीं पाया, बट अब जा रहे हैं तो उज्जवल और मैं ही जा रहे हैं किमाड़ी। तो 3 बज रहे हैं, अराउंड आधा एक घंटा लगेगा पहुँचने में। ऑलमोस्ट किमाड़ी पहुंच चुके हैं एंड इससे ऊपर भी जाएंगे हम लोग। तो यहाँ का भी कुछ ऐसा है और मौसम भी कुछ ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, प्लेजेंट मौसम हो रहा है। और ये खड़ी अपनी बाइक, थोड़ा और ऊपर जाएंगे। ऊपर देखो क्लाउडी वगैरह हो रहा है तो और ऊपर से आपको व्यू दिखाऊँगा। तो थोड़ा सा रुके हैं यहाँ पर, थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह के लिए, थोड़ा व्यू के लिए, उसके बाद मिलते हैं ऊपर। Maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. फाइनली हम किमाड़ी पहुँच चुके और ऊपर जाना है थोड़ा, इससे ऊपर जा सकते हैं बट आपको मेरे को आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको झरने की। तो ये रहा झरना पीछे और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। वॉक वॉक हो रहा है, मुझे कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया। ये रही हमारी बाइक, मजे इसको आए हुए 5 दिन हो गए, आई थिंक 6 दिन हो गए, और ये 6 दिन में 313 किलोमीटर चल चुकी है। अगर देखा जाए तो 12 घंटे में 313 और 400-500 में इसकी सर्विस होती है। तो आप लगा लो 1-2 दिन और उसके बाद सर्विस शुरू। और उसके बाद मैंने एक सोलो ट्रिप प्लान किया है, तो स्टे ट्यून, तो उसके लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा। तो अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाए क्योंकि वेदर बड़ा ख़तरनाक सा हो रहा है, ठंड लग रही है और लोग अपर भी ला रखे हैं और मैं अपर नहीं लाया हूँ, तो उज्जवल चलाएगा गाड़ी। तो लेट्स सी कितने ऊपर तक जा सकते हैं हम, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और आई थिंक शोर ज़्यादा भी हो रहा होगा पानी का। तो मैं एक बार थोड़ा सा और व्यू दिखा देता हूँ, टाइम लैप कैसी लगी आप बताना। सो ये है व्यू, देख सकते हो कितना प्यारा फॉगी फॉगी सा हो रहा है। ये मैगी पॉइंट है, ऐसे छोटे छोटे मैगी पॉइंट्स आगे बने हैं, नीचे भी बने हैं। ये यहाँ से मसूरी भी कनेक्ट करते हैं, ये थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता है मसूरी के लिए। उज्जवल बैठ चुका है गाड़ी में और आप एक बार देखो दोबारा से। सो या अब चल रहे हैं ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर तक जाएंगे जितना हो पाएगा क्योंकि टाइम हो चुका है अराउंड 4। ज़्यादा लेट नहीं करना क्योंकि ठंड बहुत हो रही है, ऊपर जाके फिर शाम को पट्टी वगैरह से भी मिलना है। ये देखो नीचे धूप हो रही है और यहाँ कुछ वेदर ऐसा है, बादलों में है हम। सो दिस इज द व्यू, थोड़ा सा हम और ऊपर आ गए और अब तो बिल्कुल बादलों में ही है, देख सकते हो अब पीछे भी कुछ नहीं दिख रहा है। आई थिंक हार्डली 50 मीटर्स के बाद भी कुछ नहीं दिख रहा है और आगे तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। ये व्यू है यहाँ का और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। मैंने गलती करी, मैं अपर ढूंढ रहा था, अपर मिला नहीं था, मैं जल्दबाजी में ऐसे ही आ गया, बट गलती कर दी मैंने, ठंड लग रही है ठंड।
तो अभी यहाँ से मैगी पॉइंट है, तो हमने यहाँ से चाय ऑर्डर करी है, चाय वगैरह पियेंगे, थोड़ी सी बॉडी को गर्म करेंगे और कुछ शॉट्स लेंगे रील्स के लिए। यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत शॉट्स लेनी है क्योंकि यहाँ का व्यू अच्छा आ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ से सामने का व्यू बहुत अच्छा है, तो यहाँ से कुछ हमने शॉट्स लेने हैं रील के। तो अगर आप फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम में तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। और हम यहाँ पे ऊपर रुक चुके हैं क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी थी थोड़ी बहुत पहले, तो यहाँ हो रही है जेसीबी की खुदाई। वेट मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखो ये हो रही है जेसीबी की खुदाई और यहाँ से भी कुछ ऐसा आ रहा है। उधर तो अब यहाँ से 5-10 मिनट और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से नीचे। और यहाँ आ रही है धूप और हम ले रहे हैं धूप बहुत अच्छी तरीके से, एलियन बन चुके हैं हम। तो हम नीचे जा रहे हैं अब और बट्टी वगैरह को हमने कॉल किया है, तो हम जाएंगे शायद मखलोगा एज यूजुअल। आपको पता ही है मखलोगा हमारा सेकंड होम है, वो अपना शाम को कहाँ करें मखलोगा चलो। तो बस मखलोगा जा रहे हैं हम और आपने रास्ते के तो शॉर्ट्स देख लिए, तो कुछ उज्जवल ने शूट की है, कुछ मैंने शूट की है, सनशाइन देखा, बाकी धूप देखो आप, बादल देखो, मतलब ये व्यू ऐसा है ना, मेसमराइजिंग व्यूज है यहाँ का। जहाँ बादल है वहाँ वहाँ लाइट, जहाँ बादल नहीं है वहाँ वहाँ लाइट आ रही है। देखो कैसे दिख रही है रेज, यहाँ दिख रही है, वहाँ नहीं दिख रही है, यहाँ नहीं दिख रही है, इट्स ऑल ब्यूटिफुल। सो यार अब चल रहे हैं नीचे, टाइम हो गया अराउंड 5, तो ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा हमें नीचे पहुँचने में, जाखन जाने में, उसके बाद मिलते हैं। दिस इज़ द नेक्स्ट डे गाइस। तो मैंने आपको बताया था कि मैं हम किमाड़ी से वापस आ रहे थे और उसके बाद हमें बट्टी वगैरह से मिला था, बट नीचे देहरादून आते आते बारिश काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और हम भीग भी गए थे, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, दोस्तों के साथ हैंग आउट किया, हमने खाया वगैरह, उसके बाद हम घर चले गए, थोड़ा बहुत भीग गए थे। और उसके बाद भी मैं एंड नहीं कर पाया क्योंकि मैं थक गया था काफ़ी, क्योंकि माड़ी से देहरादून आते आते थोड़ा थकान हो जाता है क्योंकि जाना, फ़ोटो शूट करना एंड थोड़ी बहुत रील के लिए शूट करना। सो मैं अभी व्लॉग ये एंड कर रहा हूँ, तो ये शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। किमाड़ी जाना था हमने, वो तो आउट ऑफ सडन प्लान बना किमाड़ी जाने का, तो किमाड़ी चले गए हम। एंड अगर लगाओ अच्छी लगी हो व्लॉग तो लाइक कमेंट और शेयर करिए और सब्सक्राइब का बटन दबा देगा, तो पीस आउट।